नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि बड़ी खबर है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन भाजपा में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में पार्टी के सिपाही हर्ष महाजन ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई है। पीयूष गोयल की अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हर्ष महाजन ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले। दिल्ली में हर्ष महाजन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में जो है उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान जो हर्ष महाजन का भी बयान सामने आया है, हर्ष महाजन ने कहा है कि मैं कांग्रेस में पिछले 45 सालों से था और कांग्रेस अब एक डायरेक्शनलेस और लीडरलेस पार्टी बन चुकी है। बड़ी खबर है, बता दें कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन अब कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा का दामन है जो थाम लिया है। दिल्ली में सदस्यता ग्रहण की गई है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में यह सदस्यता ग्रहण की गई है। पिछले 45 सालों से कांग्रेस पार्टी में थे और अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में हर्ष महाजन शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। हर्ष महाजन लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं और राजनीति में रणनीति और प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो थे वो काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते थे। 45 साल उन्होंने कांग्रेस की सेवा की, लेकिन 2009 के बाद से ही लगातार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के वो नज़दीक आए। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनके परिवार से भी नज़दीक रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। दिल्ली में भाजपा की सदस्यता हर्ष महाजन ने ग्रहण कर ली है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में ये भाजपा का दामन थामा गया है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में सदस्यता भाजपा की ग्रहण की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में यह सदस्यता ग्रहण की गई है। पिछले 45 सालों से कांग्रेस पार्टी में थे, सेवा कर रहे थे हर्ष महाजन, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।